बुलंदशहर किसी खास वर्ग नहीं बल्कि सभी वर्गों के साथ लेकर चलती है बसपा। जब 2007 में बसपा की सरकार चल रही थी तब प्रदेश में कानून का राज था, आज सभी लोग बसपा के साथ हैं। सतीश चंद्र मिश्रा, बसपा चाहे कितने प्रलोभन ले ले लेकिन सरकार जो काम किए है या जो काम कर रही है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वर्ष 2005 और 2007 के बीच ब्राह्मणों का जितना रुझान बसपा में था आज उससे कई गुना रुझान ब्राह्मणों का बसपा में है। सतीश चंद्र मिश्रा, बुलंदशहर में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद प्रभु सम्मेलन में बोले, भाजपा के किसान सम्मेलन में कोई फर्क किसान पर नहीं पड़ने वाला। भाजपा जो तीनों कृषि बिल लाई है उनकी वजह से किसान खुद को उत्पीड़ित मान रहे हैं। बसपा 2020 में यूपी में होने वाले चुनावों में अकेले चुनाव लड़ेगी, जनता से गठबंधन है, किसी भी राजनीतिक दल से या अंदरूनी या बाहरी गठबंधन नहीं है। गठबंधन का फैसला बहन मायावती लेंगी। सतीश चंद मिश्रा ने आज बुलंदशहर में हुए 25वें प्रबुद्ध सम्मेलन में भाजपा व सपा पर दलितों व ब्राह्मणों का शोषण करने में जमकर आरोप लगाए। 2022 के चुनावों में क्या बसपा की रणनीति रहेगी? देखिए, बसपा 2022 के चुनाव में जो हमारे कार्यकाल में 2007 से 12 में बहन मायावती जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विकास किया था, जिस तरह से कानून द्वारा कानून का राज चलाया था और कानून चला करके दिखाने का काम किया था और जिस तरीके से सर समाज को लेकर के एक साथ चलने का काम किया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाई थी, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो उत्पीड़न हो रहा आज दलित समाज ब्राह्मण समाज का, तो वो लोग बढ़ चढ़ करके हमारे साथ में आ रहे हैं आज, क्योंकि वो पहले भी आए थे, दोबारा हमारे साथ बढ़ के आ रहे हैं और ये संकल्प लेकर के आ रहे हैं कि अब की बार सरकार बहन मायावती जी बनाए। किसी से पार्टी से किसी से सहयोग से लड़ने या परिणाम के बाद में किसी को सहयोग देने के? देखिए, किसी भी पार्टी के साथ में हम मिलकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ना हम लड़ने वाले हैं, ना अंदरूनी ना बाहरी, हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात खुद भी स्वयं खुलासा कर दी है और हमारा अगर किसी के साथ कर रहे हैं गठबंधन तो अकेली वो उत्तर प्रदेश की जनता है जिसके साथ हम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मेलन के लिए कहा है कि किसान सम्मेलन हम लोग करेंगे, इस पर सर आपका क्या? देखिए, किसान जितना उत्पीड़ित आज है पूरे प्रदेश में और देश में और उत्तर प्रदेश में, 1.5 साल से वो धक्के खा रहा है, सड़कों में बैठा हुआ है, उसके ऊपर लाठियाँ चल रही हैं, पानी डाला जा रहा है ठंड में और उसके 3 कानून लगा दिए गए, लाद दिए गए हैं, जो कि कानून ऐसे हैं जो कि उनके लिए आत्मघातक हैं और उनकी ज़मीन उनके हाथ से हमेशा छीनने वाली है। तो जो सरकार किसानों का अहित कर रही है, किसानों की ज़मीन छीन रही है, उसके साथ में कैसे, चाहे वो जितने उनका सम्मेलन कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। विपक्षी दलों का 22 दलों का संगठन बनने जा रहा है, क्या बसपा उसमें शामिल रहेगी? देखिए, हम इस समय उत्तर प्रदेश में जो 22 की सरकार है बननी है उसके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और जहाँ तक है हमारी पार्टी की क्या नीत होती है, रणनीति होती है, वो हमेशा हमारी पार्टी की नेता स्वयं खुलासा कर रहे हैं।